तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे मैं एक वीडियो के साथ, वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें कोई और यूट्यूबर नहीं बताया होगा अभी तक। तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी कि किस तरह से हम लोग डार्क वेब को सर्व कर सके, डार्क वेब को विजिट कर सके, डार्क वेब को कैसे चलाए। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा वीडियो बताने वाला हूँ जिसमें तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा किस तरह से तुम लोग डार्क वेब पर अपना खुद का एक वेबसाइट होस्ट कर सको। ओके, वो भी टर्म्स के थ्रू। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, तुम लोग इजीली सीख सकोगे। बस मेरे स्टेप फॉलो करते रहना। ओपन कर लेते हैं अपना टर्म्स। टर्म्स ओपन करने के बाद तुम्हें APT अपडेट एंड APT अपग्रेड, जो भी अपडेट अपग्रेड कर लेने के बाद, उसके बाद यहाँ पर तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा टॉर, जो डार्क वेब के लिए टॉर जरूरी है। उसके साथ हमें एक वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है NG। सिंपली टाइप करो APT ऐप इंस्टॉल। मैं अपने कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ। ओके, ऐप इंस्टॉल टॉर और NGINX इस तरह से, एंड देन टाइप कर दो। यहाँ पे पूछेगा यस नो, सिंपली एंटर कर देना। यस नो करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में ये तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें चल जाना अपने टॉर पे। टॉर पे जाकर के हमें सेट करना पड़ेगा टॉर का RC। सिंपली यहाँ पे टाइप करो मेरे साथ VI, अगर तुम्हारे पास विम है तो, ठीक है, विम है तो VI टाइप करना। VI $ कैपिटल लेटर या कैप्स लॉक ऑन कर लेना, टाइप करना प्रीफिक्स एंड देन फॉरवर्ड स्लैश अगेन ETC forward slash tor RC, ये टाइप करके तुम्हें एंटर कर लेना है। तो ये कुछ इस रास्ते तुम्हारा फाइल एक ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ तुम्हें सर्च करना हिडन, सर्च करने के लिए टाइप एंटर करना है तुम्हें, एक बार एस्केप के बटन को क्लिक करना है एंड देन एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, यहाँ पे लिखना हिडन इस तरह से। अब ये तुम्हारा हिडन सर्विस का यहाँ पे सब कुछ शो होने लगेगा। देखो यहाँ पे सब शो हो रहा है ना, तुम्हारा हिडन सर्विस का पोर्ट वोट, ठीक है। देखो यहाँ पे हिडन सर्विस का सारा पोर्ट वोट शो हो रहा है। अब तुम्हें यहाँ पर एडिट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो तुम्हारा हैशटैग से बने, तो यहाँ आई से इसको इंसर्ट करो, उसके बाद हैशटैग को हटा दो। हट गया, फिर नीचे में एक और हैशटैग है उसको भी इस तरह से हटा दो। हटाने के बाद यहाँ पे जो 8080 है, यहाँ पे एक और 80 लगा दो, 80 ये लग चुका है। अभी इसको सेव करना है किस तरह से, स्केप करो इस तरह से, कॉलम लगाओ एंड देन W एंड देन Q, तब ये तुम्हारा सेव हो जाएगा। और ये तुम्हारा जो दिख रहा है ना com.com.com/user/win/lib/tor/hidden-service, तो यहाँ पे तुम्हारा एक हिडन सर्विस का फोल्डर तुम्हें बनाना पड़ेगा इस तरह से, LIB के अंदर टोर हिडन सर्विस, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, कॉलन W के से एंटर करते हैं, तो ये हमारा सेव हो गया। अब हमें एक फोल्डर बनाना है, चले जाते हैं CD $ प्रीफिक्स वेरिएबल या var एंड देन लीव एंड देन एंटर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा टोर का फोल्डर है कि नहीं, तो यहाँ पर टोर का फोल्डर नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। तो MKDIR MKDIR हमें दो फोल्डर एक साथ बनाने हैं, टॉर के अंदर एक और फोल्डर बना, तो फॉरवर्ड हाइफन दबा के P लिखना है, P लिखने के बाद यहाँ पे लिखना टॉर फॉरवर्ड स्लैश हिडन सर्विस _ सर्विस। तो ये हमारा एंटर करते हैं, तो ये टॉर के अंदर एक और फोल्डर बन चुका है। दिखा देते तुम्हें LS करके एक बार, तब यहाँ पे टॉर आ गया। अब टॉर पे LS करेंगे तो यहाँ पर एक हिडन सर्विस का फोल्डर ये डायरेक्टली आ गया। इसके अंदर में हमारा क्या कहते हैं उसको, हमें लिंक मिलेगा अपने डार्क वेब का। ओके, तो इतना काम हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे NGINX को स्टार्ट कर देना है। NGINX करना इस तरह से, तो हमारा NGINX जो है स्टार्ट हो जाएगा। NGINX स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे टाइप कर देना टॉर, तो यहाँ पे हमारा टॉर भी कुछ समय में स्टार्ट हो जाएगा। वेट करते जब तक ये स्टार्ट होता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में, तब तक वेट कर लो आराम से। हो चुका है। मेरे इंटरनेट इस घर में काफी स्लो चलते हैं, तो मैं दरवाजा खोल के आ जाता हूँ ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ये हमारा 100% कनेक्ट हो चुका है, मेरा टावर भी ठीक आ रहा है अब। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, देखना है अपना लिंक हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे हम लोग अपना लिंक निकालेंगे। लिंक निकालने के लिए टाइप करना कैट $
प्रीफिक्स, वीडियो पूरे अच्छे से देखोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। प्रीफिक्स फॉरवर्ड स्लैश वार या वेरिएबल लाइब्रेरीज एंड टॉर हिडन सर्विस फॉरवर्ड स्लैश लगा के होस्ट नेम देन एंटर। तो यहाँ पे हम लोग को एक लिंक मिल जाएगा डॉट ऑनियन, तो इस लिंक को पूरा कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ तक इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद चले जाते हैं अपने टॉर ब्राउजर पे, टॉर ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद कनेक्ट कर लेना, उसके बाद जो लिंक तुमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद वेट करते हैं, देखते हैं हमारे डार्क वेब पे वेबसाइट जो है आ चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जब आने लगेगा वेलकम टू इंजिन्स, मतलब है कि हमारा डार्क वेब पे वेबसाइट आ चुका है। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट जो है होस्ट हो चुका है, ये इंजिन्स का एचटीएमएल है। हम लोग इसको रिमूव करके अपना एचटीएमएल फाइल या अपना वेबसाइट का फाइल डाल देंगे। चले जाते हैं एक बार फिर से अपने टर्मक्स में। टर्मक्स में जाने के बाद अब हमें यहाँ पर लिखना है सीडी $ प्रीफिक्स शेयर, एंटर करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे वो फोल्डर है या नहीं। एंजिंग्स कहाँ है, एंजिंग्स है, सीडी एंजिंग्स, मुझे भी ठीक से याद नहीं है। सीडी एचटीएमएल, सॉरी सीडी HTML, ओके। अब यहाँ पे देख लो एक नैनो इंडेक्स डॉट HTML फाइल, इसको हमें रिमूव करना है। RM इंडेक्स डॉट HTML, या तो तुम अपना खुद का इंडेक्स डॉट HTML यहाँ पे लग सकते हो। यहाँ से एक फॉर्म होता है PWDs, इसका देख लेते हैं पैथ कौन सा है। ओके, तो यूजर सेल एनजिंग्स HTML इसका पैथ है, एक बार सीडी करके चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स डॉट HTML फाइल ऑलरेडी रखा है, इसको हम वहाँ पे मूव करने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे MB इंडेक्स डॉट HTML को मूव करना है कहाँ पे, $ प्रीफिक्स शेयर फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे हमें लिखना होगा engines फॉरवर्ड स्लैश HTML, अंदर एंटर कर लेते हैं। अब जब हम लोग इसको दोबारा रन करेंगे यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो गो, थोड़ा वेट करते हैं ये चेंज हो जाएगा। देखो इस तरह से अभी हमारा वेबसाइट पूरी तरह से मैंने अपना HTML लगा करके होस्ट कर लिया। तो इस तरह से तुम लोग भी डार्क वेब पे अपना एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके SSD करके पूछो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।